हेलो स्टूडेंट्स हमने एडजेक्टिव पढ़े अब एडजेक्टिव में हमने देखा जैसे रामी जे गुड बॉय तो उसमें नाउन की या अपना नाउन की क्वालिटी का वर्णन होता है अब जो क्वालिटी बताते हैं तो उसमें क्वालिटी का जो कंपैरिजन उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन तो डिग्री ऑफ कंपेरिज़न पढ़ेंगे आज हम डिग्री ऑफ कंपेरिजन जो एडजेक्टिव में है वो थ्री डिग्री ऑफ कंपेरिजन है एडजेक्टिव की पॉजिटिव कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव तो तीन है डिग्री ऑफ कम्पेरिजन पॉजिटिव कम्पेरेटिव एंड सुपरलेटिव तो सबसे पहले आते हैं पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपेरिजन तो पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपेरिजन जब कोई भी कंपेरिजन नहीं किया गया हो सिंपल सेंटेंस हो राम इज जे गुड बॉय श्याम इज जे टॉल बॉय ही इज एन इंडस्ट्री स्टूडेंट तो इस ढंग से जब कोई डिग्री ऑफ कंपेरिजन नहीं हो तो हम जैसे ही इज ए गुड बॉय नॉर्मल सेंटेंस है तो इसमें पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है और जब दो में कंपेरिजन किया गया हो द कंपेरिजन द कंपेरेटिव डिग्री इज़ यूज वेन द कंपेरिजन इज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल्स जब दो वस्तुओं में या व्यक्तियों में तुलना की जा रही हो तो वो क्या होती है कंपेरेटिव डिग्री ऑफ कंपेरिजन जब दो व्यक्तियों में या वस्तुओं में तुलना की जा रही हो जैसे शी इज बेटर स्विमर देन हिम शीज बैटर स्विमर देन हिम तो ये पहले में गुड था अब इसमें जब तुलना की गई है तो क्या आ गया गुड की जगह बैटर आ गया गुड की जगह बैटर यूज हुआ है तो कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग जो है ना देन के साथ यानी कि जब सेंटेंस में देन होता है तो उससे पहले हम कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो ये कंपेरेटिव आर यूजली फॉलोड बाई देन देन आता है इनके साथ तो ये हो गया कंपेरेटिव डिग्री अब आता है सुपरलेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री इज यूज वन मोर देन टू यानी दो में तो कंपेरेटिव हो गया जब दो से ज्यादा व्यक्ति अवस्थाओं की बात हो रही हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग जो है ना तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है दो से अधिक व्यक्तियों की यानी कि जब दो में तो तुलना होती है और ज़्यादा हो तो कहें कि जैसे राम सबसे अच्छा है तो राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास तो सुपरलेटिव में जैसे कंपेरेटिव में दैन के साथ प्रयोग होता है ऐसे ही दा के यानी कि दा के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है जैसे ही इज द बेस्ट बॉय ही इज द बेस्ट इन द क्लास तो जब सबसे अच्छा हो तो उसमें हम सुपरलेटिव का प्रयोग करते हैं कंपेरिजन करते हैं तो कंपेरेटिव डिग्री का और नॉर्मल सेंटेंस है तो पॉजिटिव डिग्री का तो सबसे पहले हम पॉजिटिव तो नॉर्मल सेंटेंस हो ही गया तो हम कंपेरेटिव डिग्री पढ़ेंगे कंपेरेटिव डिग्री अब डिग्री बनाने के लिए जैसे वर्ड है बिग अब अगर लास्ट वर्ड जो लास्ट अल्फाबेट है बी आई जी बिग तो अगर लास्ट अल्फाबेट से पहले कोई वोवल आ जाए तो लास्ट जो अल्फाबेट है वो डबल हो जाता है जैसे बिग बिगर बिगेस्ट थिन थिनर थिनेस्ट इस थिन, 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 डंग से और नॉर्मली डिग्री बनाने के लिए कंपेरेटिव में ई आर और सुपरलेटिव में ई एस टी का प्रयोग होता है कुछ एक इसके अपवाद भी हैं जो बड़े वर्ड्स हैं जैसे ब्यूटीफुल स्पेसियस कंफर्टेबल इनमें क्या होता है मोर और मोस्ट लगाते हैं कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट इनके साथ यूज होता है जैसे सेंटेंस देख लीजिएगा ही इज टॉलर देन यू तो ये कौन सी देन आ गया टॉलर लगा दिया ठीक है शी स्पीक्स लाउडर देन हर पार्टनर यू कैन स्पीक लाउडर दैन दिस कैन यू रन फास्टर कुड यू जम्प हायर तो इस ढंग से हम कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो आपको ये जो एक्सरसाइज नंबर डी है कम्प्लीट दिस सेंटेंस बाई यूजिंग एन एडजेक्टिव इन द कम्पेरेटिव फॉरम कम्पेरेटिव फॉरम का यूज करना है पीछे आपको इसमें एक जो है ना वर्ड दिया हुआ मिलेगा जैसे पहला है द जग ऑन द टेबल इज ब्लैंक स्पेस देन द वन इन द कपोर्ड विच कैन नॉट होल्ड ब्रैकेट में बिग अब बिग है बीच में देन आ गया तो हम क्या लगाएंगे ये कौन सी डिग्री आ जाएगी कंपेरेटिव यानी बिगर बी आई डबल जी ई आर तो यहाँ बिगर लग जाएगा <coughs> ऐसे ही हैज नॉट एक्टेड इन ए प्ले earlier they wanted someone blank space then him हिम अब एक्सपीरियंस आ गया अब एक्सपीरियंस बड़ा सबद है तो एक्सपीरियंस आ गया तो क्या आएगा दे वॉन्टेड सम वन एक्सपीरियंस है तो क्या आ जाएगा यहां देन आ गया मोर एक्सपीरियंस्ड दे वॉन्टेड सम वन मोर एक्सपीरियंस देन हिम तो इस ढंग से हमने क्या करना है इसमें कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है इसी तरह एक नेक्स्ट एक्सरसाइज है ई एक्सरसाइज इसमें क्या करना है रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स एंड फ्रेम सेंटेंस विद कंपेरेटिव इसमें कंपेरेटिव सेंटेंस बनाने हैं पहला सेंटेंस है द रेड बस हैज़ फाइव पैसेंजर्स दब्ल्यू बस हैज़ एट पैसेंजर्स अब लाल बस में पाँच पैसेंजर है नीली बस में आठ पैसेंजर हैं तो सीधे हम कह सकते हैं ब्रेकट में क्या दिया हुआ है फ्यू यानी कि फ्यू वर्ड से हम इसको कंपेरेटिव बनाना है तो सीधा सीधा हो गया कि लाल बस में नीली बस से कम पैसेंजर हैं तो हमने क्या किया द रेड बस हैज़ फ्यूअर पैसेंजर देन द ब्लू बस उससे कम है ब्लू बस से रेड बस में ब्लू बस से कम पैसेंजर हैं तो इस ढंग से हमने क्या लगा दिया फ्यूअर वर्ड का प्रयोग कर दिया नेक्स्ट है द एप्पल आर ट्राइव द ग्वावाज़ आर नॉट वेरी राइप। तो शेप तो पका हुआ है लेकिन अमरूद ज्यादा पके हुए नहीं है तो क्या कर दिया द एप्पल आर राइपर देन द गवाज तो क्या आ गया द एप्पल आर राइपर देन द गवाज तो हमने क्या किया कि इसको दोनों सेंटेंस सिंपल थे द एपल आर राइट द गवाच आर नॉट राइट तो द ऐप मतलब सेव ज़्यादा पके हुए द्स आर राइट और दैन द गवाच तो इस ढंग से स्टूडेंट्स आपको ये डी और ई एक्सरसाइज दोनों करनी है ई एक्सरसाइज में आगे के सेंटेंस आप खुद करेंगे थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ये दोनों सेंटेंस आप स्वयं करेंगे ऐसे ही ऐप एक्सरसाइज है इसमें कंपेरिजन करना है ऐप में तो, क्या है जैसे सेकेंड सेंटेंस है राजन ब्लैंक स्पेस देन समर टॉल वर्ड करना है तो हमें देन आ गया तो क्या कंपेरेटिव डिग्री राजन राजन इज टॉलर देन समर इस ढंग से आपको ये तीनों सेंटेंस बनाने हैं तो आपको ये जो है ना डी ई e, और आप तीनों एक्सरसाइज करनी है ओके स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही करेंगे बाकी कल देखेंगे